हेलो, वेलकम टू फिगर पोस्टर। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स। आज का जो वीडियो है वो सब मदर्स को डेडिकेट किया है मैंने। मेरी मम्मी को नान कटाई बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा आज का वीडियो इसी पे बनाते हैं। तो चलिए क्या देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। ये मेजरिंग कप है मेरा, इसी माप का मैंने लिया है। आप जो भी माप का कप लेते हैं उसी से सब सेम उसी माप का सब चीज़ें ले लीजिए। जैसे ऑयल एक कप है, एक कप बेसन है, दो कप मैदा है, एक कप पाउडर शुगर, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़े बादाम हैं जो मैंने स्लाइस किए हैं, थोड़ी इलायची पाउडर और दो टेबलस्पून मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हैं। ये एक ही डब में से हम चॉकलेट चिप कुकीज़ भी बनाएंगे और नान कटाई भी बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। इसका डब देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये सब हम मिक्स कर देंगे, मैदा, बेसन, शुगर और कॉर्नफ्लावर, इसे मिक्स कर देंगे और फिर उसमें ऑयल डाल के इसका एक आटा बना लेंगे। इसका आटा बन चुका है अभी। अब हम इसको आधा आधा कर लेते हैं दो हिस्सों में, क्योंकि एक में से हमको कुकीज बनानी है और एक में से हम नान कटाई बनाएंगे। तो ये जो नान कटाई वाला है इसमें हम इलायची मिक्स कर देंगे। ये जो चॉकलेट चिप्स वाला है इसमें हम ये चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, बॉल्स और नान कटाई और कुकीज बना देंगे। ये हम नान कटाई लेंगे। नान कटाई का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं थोड़ा छोटे वाली बना रही हूँ। इसको ऐसे राउंड करना है अच्छे से, इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसका राउंड बना दीजिए, थोड़ा सा उसको प्रेस कर दीजिए, इसे थोड़े से भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। फिर इसमें मैं ये थोड़े बादाम ऊपर से डाल देती हूँ। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने रख दिया है 10 मिनट के लिए। जैसे वो हीट हो जाएगा हम उसको 15 मिनट के लिए बेक कर देंगे। ये नान कटाई इस तरह बनानी है और चॉकलेट चिप्स भी इसी तरह से बनानी है। इसी तरह हम सब कुकीज़ और नान कटाई बना देंगे और फिर बेक करेंगे। हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ और नान कटाई रेडी है बेक होने के लिए। हमारा ओवन भी गर्म हो चुका है, हम उसे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे। बीस मिनट हो गए हैं, हमारी नान कटाई और चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हो चुकी है। इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसे हमें आधा घंटे के लिए ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। जैसे ही ठंडी होती है वो क्रिस्प हो जाएगी और फिर हम उसे सर्व कर सकते हैं। हमारी नान कटाई और कुकीज़ खाने के लिए रेडी है। इसे मैंने 20 से 25 मिनट बेक किया था, फिर आधा पौना घंटा उसको ठंडा किया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए।